जोशीमठ पर सीएम का आदेश, प्रोजेक्ट रुके, एसडीएम बोली सेना के लिए सड़क बन रही। फोर व्हीलर्स के कार्बन रेडिएशन को कम करेगा इथेनॉल फ्यूल, साल में 63,000 गाड़ियों के बराबर काम करेगा रेडिएशन। कारोबारी की फॉर्चूनर से 5 लाख और रिवॉल्वर चोरी, अजनबी ने कार का शीशा खटखटाया और दूसरी सीट पर रखा बैग हुआ गायब। 2.5 लाख का इनामी बद्दो इंस्टाग्राम पर फिर हुआ एक्टिव, पूर्व डीजीपी के खिलाफ डाली पोस्ट, 4 साल से मेरठ पुलिस पकड़ नहीं सकी। गाजियाबाद में 24 घंटे में रेप की दूसरी वारदात, इंदिरापुरम में पड़ोसी ने घर बुलाकर बच्ची से की दरिंदगी, मुरादनगर में गैंग रेप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बता दें लोगों के खाते से साइबर अपराधियों के उड़ाए गए 11 लाख रुपए को साइबर क्राइम सेल के 8 पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वापस करा दिया है। पीड़ितों के पुलिस को सूचना देने के ही साइबर क्राइम सेल एक्शन में आ गई है और पीड़ितों की रकम वापस करवा दी गई है। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों ने आप सभा बैठक की, जिसमें निलंबित वेतन और नौकरी विस्तार नहीं होने पर 16 जनवरी से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस बैठक में विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। साथ ही जीवीएम ने निर्णय लिया है कि अगर विश्वविद्यालय प्रबंधक ने हमारे दिसंबर के रुके हुए वेतन और रोजगार विस्तार को 6 महीने से 1 साल के लिए 14 जनवरी तक नहीं बढ़ाया तो हम कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। सैलरी बिल्कुल नहीं, सैलरी प्राइमरी इशू है हमारा। दिसंबर की आज 11 तारीख हो चुकी है, आप जानते हैं सैलरी पेड एम्प्लाई के लिए इतने दिन गुजारना कितना मुश्किल होता है और आज 11 तारीख हो चुकी, अभी तक सैलरी का सिर्फ आश्वासन मिला है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो घर का कैसा हिसाब किताब हम लोग, घर का आप ये जानते हैं कि मैं आपसे पहले भी इस बात को फिर रिपीट करूं कि एक सैलरी पैड के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, दूध वाले का पैसा है, बच्चों को रिक्शे वाले का है, ट्यूशन फी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और तमाम एम्प्लॉज इस वक्त शमीम कामरेड उन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई, सभी एम्प्लॉज की बुलाई, सभी यूनियन एसोसिएशन के जो पूर्व पदाधिकारी हैं उन्हें और जो विक्टिम्स हैं उन्हें सबको बुलाया। तो उसमें क्या खास रहा इस मीटिंग को लेकर? उसमें सब इन्हीं बातों पे जो अब तक जो क्राइसिस चल रहे हैं उसी पे सारा मंथन हुआ है और उसमें जो जनरल बॉडी और सबके तरफ से एक बात ये निकल के आई कि अब हम इन्हें कॉल देंगे, कल एक लेटर इशू कराएंगे, इन्हें नोटिस समझ लीजिए उसे। अलीगढ़ में आवारा गोवंश की वजह से सड़कों पर आए हादसे होते रहते हैं। जहां एक ओर सरकार आवारा गोवंशों के लिए गौशाला खोलने की दावे कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर आवारा गोवंश सड़कों पर हर रोज हादसों का शिकार बन रहे हैं। पूरा मामला थाना दादू के गांव कासिमपुर का है, जहां पर आवारा गोवंश की चपेट में आकर एक बाइक सवार अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण बाइक सड़क पर गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी में भर्ती करवाया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। दादू, क्या मामला हुआ, ये कौन लोग हैं जो घायल हैं? ये हमारे साले हैं और साले का लड़का है। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ गाय से। अच्छा, कैसी हालत है इनकी? हालत खराब है। कहाँ ले गए? सरकारी अस्पताल में। कौन सा अस्पताल है? छर्रा। अभी नहीं देखेंगे उसके बाद। अलीगढ़ में बीते दिनों कासगंज में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। भाकियों नेताओं के द्वारा गृह मंत्री के नाम पर पत्र लिखकर अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई है, जिसको लेकर आज भाकियों नेताओं ने
बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन भी किया है, लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मौजूदा हालात में सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर भाकियू नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। यही कारण है कि कार्यवाही न होने पर उनके द्वारा चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई। अब देखना होगा कि आरोपियों के ऊपर कोई कार्यवाही हो पाएगी या फिर नहीं। भारतीय किसान यूनियन स्वराज हरियाणा प्रदेश प्रभारी जितेंद्र शर्मा, आज गृह मंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें हमारी मांग है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुलदीप पांडे जी पर बार बार जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, जिसके दोषी हम BVGTS मूर्ति और मां के CEO अजीत सिंह जी। अलीगढ़ के कस्बा बेसवा में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM के ऊपर विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार विद्युत विभाग से शिकायत भी की, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है, जिसके चलते भारतीय मुद्रा भी संकट में नजर आ रही है। आपको बता दें कि ATM में एक चिंगारी की वजह से कभी भी लाखों रुपए जलकर स्वाहा हो सकता है, इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा इस पर विद्युत विभाग द्वारा क्या कार्रवाई होगी या नहीं। आप बैंक में क्या करते हो? बैंक में मैं ATM पर गार्ड हूँ। ये बिजली का लट्ठा कैसे टूटा यहाँ पर? रात को कोई यहाँ खात बात को जो कोई टैंकर वगैरह आया, ये जो टोला होता है उसने इसमें टक्कर मारी है, बाकी वजह से रात को समय हम गिर गए हो, बच गए हो, ये जो सारी विवाद पर जाकर टकराया। क्या आपने बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया है? हाँ, सवेरे अवगत कराया, फोन करे हो तो जो कह। बांदा में मवई गांव के पास तेज रफ्तार का कहर दिख रहा है। आपको बता दें कि गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, कार में सवार चार लोगों में से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया है। फिलहाल डॉक्टरों के द्वारा दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में गन्ने भुगतान को लेकर किसान आंदोलन पर बैठे हैं और लगातार गन्ने के भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पलिया तहसील में भी चीनी मिल के बाहर किसान 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही प्रशासन और पदाधिकारियों के गन्ने के भुगतान न होने से बीते दिन किसानों ने जल सत्याग्रह का आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा कर और उनके पास पहुंचकर वार्ता भी की। बकाए भुगतान को लेकर के किसानों ने एक आह्वान किया था, तो यहाँ मौके पर प्रशासन की तरफ से और तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब लोग लगातार इनसे संवाद कर रहे हैं। किसान और सभी किसान, हम लोग प्रो किसान हैं, किसान हित में ही हम लोग कटिबद्ध हैं निर्णय लेने के लिए। तो इनका जो बकाया है उसको हम लोग कमिटेड हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कराएँ और डे टू डे कराएँ। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्तला मेट्रो स्टेशन के पास टप्पेबाजी की एक बड़ी घटना सामने आई है। बता दें यहां बिल्डिंग मटेरियल के व्यापारी का कार बैग बदमाश चोरी कर ले गए, जिसके बाद कारोबारी ने बताया कि जैसे ही वो अपनी कार से ऑफिस के सामने पहुंचे तभी वो फोन पर बात कर रहे थे, मेरा बैग कार से गायब हो गया, जिसमें 5 लाख रुपए नगद और मेरी पिस्टल थी। कारोबारी ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस जाँच में जुट गई है। चलू थी मेरी, तब तक एक उधर से आया, टक टक किया, मैंने बोला क्या बात है, इतनी बार पिछले इसे जब मैं उतर के देख रहा हूँ तो मेरा बैग भी साफ है उधर। अभी पुलिस को मैंने कंप्लेंट करी है तो उन्होंने उस DVR ले ली है और उसमें क्लियर देख रहा ले जाता हुआ। अच्छा, क्या था बैग? बैग में उसमें रिवाल्वर है, कैश लगभग 5 लाख है, उसमें 3 गड्डी तो नए। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।